हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज रिटर्न वाउचर की एंट्री को और सेल रिटर्न वाउचर की एंट्री को किस प्रकार से करते हैं, यानी कि किस कंडीशन में तो हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे और किस कंडीशन में हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम रियल वाउचर के साथ और प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए जिन्होंने अकाउंट्स कोर्स कंप्लीट कर लिए है और वो किसी कंपनी में जॉब की शुरुआत करने जा रही हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट से टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। क्योंकि हम सारी बातें आज की इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से और रियल बिजनेस की कंडीशन के अंदर हम किस प्रकार से इस टाइप के वाउचर की एंट्री करते हैं, तो वो सारी बातें आज की इस क्लास से आपको सीखने को मिलने वाली है। तो आज की इस क्लास का कोई भी स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो हम वाउचर एंट्री करने के दौरान बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम मिस कर देते हैं और उसी की वजह से हमारा टैली सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा सही तरीके से पोस्ट हो नहीं पाता और उसी की वजह से हमारे टैक्सेशन के अंदर आगे एरर आ जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्टेप कोई भी स्किप किए बगैर। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहन सुथार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसना। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज रिटर्न वाउचर की एंट्री, यानी कि परचेज रिटर्न का मतलब हो गया भी अगर हमने किसी कंपनी से, किसी सप्लायर से अगर हमने कोई परचेज करी है, यानी कि गुड्स हमने परचेज किया है, अगर हम उस परचेज सामान खरीदे हुए सामान को अगर हम उस कंपनी को वापिस करेंगे तो उस कंडीशन में हम परचेज रिटर्न उस वाउचर को बोलते हैं। और उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, कंपनी को यानी कि जिससे हमने गुड्स परचेज किए उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। हालांकि हमें इसके अगेंस्ट के अंदर क्रेडिट नोट मिलता है, किसके अगेंस्ट में, परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में। अब हम टेली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं शॉर्ट साइज को प्रैक्टिकल समझने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक लेजर है विजय ट्रेडिंग कंपनी का और इस विजय ट्रेडिंग कंपनी से मैंने ये इस इनवॉइस के अंदर ये प्रोडक्ट है जो परचेज किए थे, ये वो वाउचर है। अब मान लीजिए इस खरीदे हुए मेरे इनवॉइस में से मैंने कुछ प्रोडक्ट कंपनी को वापस रिटर्न कर दिए, तो अब परचेज के लिए यानी कि कंपनी की तरफ से मेरे को इनवॉइस मिल चुका था, उसकी एंट्री मैंने सॉफ्टवेयर में कर दी। लेकिन अब हम मैं इस प्रोडक्ट को वापस करूंगा कंपनी को, तो मैं मेरे सॉफ्टवेयर से एक बार उसको डेबिट नोट इशू करके दूंगा विजय ट्रेडिंग कंपनी। अब इसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए ये हमने इनवॉइस था और इस इनवॉइस के अंदर ये कुछ हमारे प्रोडक्ट थे और इसको थोड़ा सा डीपली समझने के लिए हमने एक एक्सेल फाइल तैयार करी है और इसके अंदर हमने ये परचेज रिटर्न के रूप में कुछ एंट्री करी है। मान लीजिए इस प्रोडक्ट के अंदर हमने एक तो सिस्का LED 25 वाट और एक 9 वाट का ये कुछ क्वांटिटी हमने वापस रिटर्न कर दी है, तो इसकी एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस वाउचर पर हम चलते हैं, यानी कि परचेज का रिटर्न यानी कि खरीदे हुए माल को वापस करना परचेज रिटर्न होता है और परचेज रिटर्न की कंडीशन के अंदर हम डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो अगर आपको डेबिट नोट वाउचर इस कंडीशन में अगर आपको यही नहीं मिलता तो यहाँ से हम अदर वाउचर्स पर क्लिक करेंगे, यानी कि F10 यूज करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे F10 यूज करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट और ये इनकी शॉर्टकट की, यानी कि Alt F5 के साथ हम यूज करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा और Alt के साथ हम F6 यूज करेंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर हमारा ऑन हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसके अंदर क्लिक कर दिया तो जिस क्लिक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास में डेबिट नोट आ चुका है। डेबिट नोट वैसे आपको इस लिस्ट के अंदर दिखाई नहीं देगा, हमें अदर वाउचर्स पे जाना होगा। अब बात आएगी हम परचेज को कब रिटर्न करेंगे, तो परचेज रिटर्न हमारी परचेज इनवॉइस के सेम डेट या उसके आगे की डेट के अंदर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये इनवॉइस था हमारे पास में, हमने इसको जो हमारी परचेज रिटर्न है वो हमने 2 मई के अंदर इसको हमने परचेज किया था और उसका इनवॉइस नंबर था 324। अब मान लीजिए हमने इसको 2 जून के अंदर इस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर लिए, तो वापस हम चलेंगे यहाँ पर F2 के साथ, हम डेट आपकी कोई हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 जून 2023 लिया। अब उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अगर आप अपने डिस्पेज की डिटेल यहाँ पर लिखना चाहते हो भी आप जो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर रहे हो वो उसका व्हीकल नंबर क्या है, किसके थ्रू आप प्रोडक्ट जो रिटर्न कर रहे हो कौन लेके जा रहा है, ये डिटेल अगर हम यहाँ पे डिस्पेज की डिटेल के अंदर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डिटेल आपसे पूछी जाएगी ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, यानी कि आप ये रिटर्न कर रहे हो
तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या मिला था। जैसा कि हम इस वाउचर पे चलते हैं, अभी हमारे को कंपनी के, अगर हमने डेबिट नोट इश्यू कर दिया तो कंपनी की तरफ से हमारे को ये इस तरीके का एक क्रेडिट नोट मिलेगा, जहां पर क्रेडिट नोट का नंबर लगा हुआ और क्रेडिट नोट इश्यू करने की डेट भी लगी होगी, और यहाँ पर एक ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी दिया जाता है भी आप जो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है वो उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था जिसके अगेंस्ट में ये प्रोडक्ट है जो सेल किए गए थे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अंदर सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारा क्या था, 324 नंबर, और 2/5 के अंदर हमने इसको परचेज किया था। हम एक बार वापिस चलते हैं, आपको मैं वो इनवॉइस दिखा देता हूँ विजय ट्रेडिंग कंपनी का, पूरे साल का डाटा हमने ओपन कर लिया। तो ये हमारा 1/5 के अंदर ये हमारी परचेज है और ये इसका इनवॉइस नंबर है 324 नंबर। तो हम यहां पर 1/5 करेंगे, 1/5 की परचेज की डेट है हमारी और इनवॉइस नंबर 324 है। तो वापिस हम चलते हैं वाउचर पे और यहां पर हम अभी यूज करेंगे Alt F5 का, Alt F5 का मतलब डेबिट नोट, और डेट 1 जून हो सकती है, 2 जून हो सकती है, यानी कि 1 मई के बाद भी कोई भी डेट आपकी हो सकती है। विजय ट्रेडिंग कंपनी सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर डिटेल अगर आपके पास है तो देख सकते हो। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 324 और डेट मैंने लगा दी 1/5/2023 की, और उसके बाद में आगे की डिटेल ये ओपन हो जाएगी, पार्टी की डिटेल, और उसके बाद में क्या प्रोडक्ट हमने रिटर्न किए हैं वो डिटेल। जैसे मान लीजिए हमने रिटर्न प्रोडक्ट आपका कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 प्रोडक्ट ये लिए, क्वान्टिटी मैंने ले ली 4 पीस, और एक का रेट हम लगाएंगे जिस रेट से हमने परचेज किया था वो रेट हम यहाँ पर लगाएंगे, 176 रुपये के हिसाब से मैं परचेज किया था। अब बात आएगी भी ये हमारी जो परचेज है, यहाँ पर हमें परचेज रिटर्न का एक अलग से लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि अभी टोटल हमारी इतनी तो परचेज है और इतनी हमने परचेज रिटर्न कर दी। अभी 18% की हमारी लोकल की परचेज है, तो हम यहाँ पर एक LC के साथ एक लेजर क्रिएट करेंगे भी इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 18% परचेज रिटर्न। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको रखेंगे अंडर में परचेज काउंट के, क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, और इसके बाद में GST एप्लीकेबल रहेगा। इस डाटा को हम सभी को AGT रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे। ठीक है, अब ये 12% का ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको GST 12% के नाम से इसका लेजर क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट, और उसके बाद में एक सेकंड प्रोडक्ट था हमारे पास में 9 वाट का, तो 9 वाट को हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद क्वांटिटी और इसका एक का रेट, जिस रेट से हमने परचेज किया वो रेट हम यहाँ पे डालेंगे। तो अभी हमने एक परचेज रिटर्न का जो लेजर क्रिएट किया था उस परचेज रिटर्न को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर वापिस हम CGST टैक्स और SGST टैक्स हम सेलेक्ट करेंगे। अब इस एंट्री का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये एंट्री करने के बाद हम इसके अकाउंट में जाके देखेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड GST डिटेल को आपको यस रखना है, और उसके बाद में यहाँ पर रीजन फॉर इश्यू नोट, यानी कि आपने क्या रिटर्न किया हुआ है, तो यहाँ से हम 7 नंबर को अदर्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ फिर आपसे एक डिटेल पूछी जाएगी सप्लायर्स डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, यानी कि पार्टी ने जो आपको क्रेडिट नोट नंबर दिया है उसका क्रेडिट नोट नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अभी आपके पास फिलहाल क्रेडिट नोट आया नहीं है क्योंकि अपनी आपने रिटर्न किया है, तो एक बार इसको आप ब्लैक भी छोड़ सकते हो। जैसे ही आपके पास क्रेडिट नोट आ जाएगा इस टाइप का, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट नोट और उस क्रेडिट नोट की डेट हम यहाँ पर लिख देंगे, एंटर प्रेस करते हुए हम इस वाउचर को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था हमारा डेबिट नोट किसके अगेंस्ट में, परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में। अब सेम हमारे पास एक कस्टमर है, वापिस हम चलते हैं सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, और इस सुरेश ट्रेडिंग कंपनी को हमने 2 मई को ये इस सेल इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट में ये सेल प्रोडक्ट है जो कुछ किए थे, ये सेल इनवॉइस है। अब मान लीजिए इस कस्टमर ने हमारे को सामान कुछ रिटर्न कर दिया, तो अब हमारी तरफ से एक तरीके की सेल रिटर्न बन गई, और सेल रिटर्न के अगेंस्ट में हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो वापिस हम वाउचर पर चलते हैं और यहाँ से हम क्रेडिट नोट यूज करेंगे, और उसके बाद में डेट आपकी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए मैंने ये 2 जून ही रख ली, कस्टमर का नाम यहाँ पर मैं दूंगा, और उसके बाद में सेम वही डिटेल रिसिप्ट की डिटेल, अब आपके पास आ रहा है वो डिटेल, डिस्पेस रू किसकी आया था, उसका जो आपके पास गुड्स है उसका मोटर का व्हीकल नंबर वगैरह डिटेल हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी हम देंगे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 001 का और 2/5 की डेट थी,
तो इनवॉइस नंबर 001 और 2/5/2023 की डेट थी, और उसके बाद में पार्टी डिटेल हमारी रहेगी, हम इसको सेव करेंगे। और उसके बाद में हमने क्या प्रोडक्ट रिटर्न किया है, वो जो इस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो हमने प्रोडक्ट सेल किया था वही हमारे पास वापस आएगा। और इसके बाद क्वांटिटीज की, मान लीजिए हमने 2 कर दिया, और यहाँ पर 1 का रेट हम देंगे जिस रेट के अंदर हमने इसको सेल किया था। और अब इस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर सेल रिटर्न का एक अलग लेजर क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% सेल रिटर्न, अंडर में रहेगा ये सेल काउंट के, और उसके बाद में GST एप्लीकेबल और टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स, और उसके बाद में प्रोवाइड GST इनवॉइस की डिटेल वगैरह बात हमारे पास अभी कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर रखेंगे। अब ये हमारी तरफ से इश्यू हो रहा है किसकी कंडीशन में, सेल रिटर्न के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ रीजन के अंदर अब हम सेल रिटर्न यूज करेंगे। और अब बायर्स का डेबिट नोट, तो बायर्स का डेबिट नोट तो हमारे पास है नहीं अभी तक, इंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद के अंदर इनवॉइस की डिटेल को हम एक बार स्किप करते हैं, इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को भी हम सेव करेंगे। तो ये हमारा था सेल रिटर्न के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट। तो अब इसका इफेक्ट हमारे पास क्या पड़ेगा, इसके इफेक्ट जो पड़ने वाले हैं, सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा जो हमारे पार्टी के लेजर हैं उनके ऊपर। तो पार्टी का लेजर देखने के लिए हम ओपन करेंगे विजय ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट को और पूरा डिटेल ओपन कर लेंगे। तो अब यहां देख सकते हो, इस ये तो हमारा था इनवॉइस जिसके अगेंस्ट में हमने परचेज किया था, और ये हमने एक डेबिट नोट इश्यू कर दिया जिसके अगेंस्ट में हमने 1426 रुपए का और 88 पैसे का सामान है जो रिटर्न कर दिया। तो यानी कि ये अमाउंट हम इस अकाउंट के, पार्टी के अकाउंट में हम डेबिट हमने कर दिए। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्टॉक हमारे पास वापिस आ जो लेस हो जाएगा। और उसके बाद में एक हम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का हमने क्रेडिट नोट इशू किया था। अब इस अगेंस्ट के अंदर क्या था, ये क्रेडिट नोट के थ्रू जो प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं ये 420 रुपये हमने इस कस्टमर के अकाउंट में वापस क्रेडिट कर लिए, यानी कि अब इतने पैसे हमें ये कम देगा। ये तो था पार्टी के अकाउंट के अंदर डिफरेंस। अब हम बात करते हैं परचेज और सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट्स पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चलते हैं, LTF1 के साथ ओपन कर लेंगे। अब यहाँ देखोगे तो अब आपको जो टोटल सेल है, तो यहाँ पर आपको सेल अमाउंट कुछ अलग दिखेगी, और जो आपके पास सेल रिटर्न हो चुकी है ये अब आपको यहाँ पर माइनस के साथ दिखाई देगा, और ये टोटल आपकी सेल और सेल रिटर्न होने के बाद में जो नेट सेल बचेगी वो 6261 रुपये और 48 पैसे की बचेगी। और इसी तरीके से अगर आपने जो परचेज रिटर्न का हमने लेजर क्रिएट किया है इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% परचेज रिटर्न का, तो ये माइनस में शो करेगा, और ये इस अमाउंट के अंदर आपकी जो परचेज और परचेज रिटर्न के माइनस करने के बाद में नेट परचेज आपकी ये रहेगी। तो अलग से लेजर क्रिएट करने का हमें बेनिफिट ये मिलता है कि वो अमाउंट हमें अलग से शो होती रहती है। हम चाहते तो इस GST 12% परचेज इसी एक अकाउंट के अंदर भी हम इसको वापिस जो क्रेडिट कर सकते थे। तो ये क्रेडिट करने के बाद क्या होता, ये 82,167 रुपये में से 1,274 रुपये लेस करने के बाद ये अमाउंट हमें यहाँ पर शो होती, तो जिसे हमें पता ही नहीं चलता भी हमारी एक्चुअल में परचेज कितनी है और हमने परचेज रिटर्न कितनी कर दी। तो ये सारी बातें हमें अलग अलग लेजर क्रिएट करने के बाद में पता चलेगी एक्चुअल में परचेज कितनी थी और रिटर्न करने के बाद में क्या रहेगी। तो ये हमारी रिटर्न शो करता है माइनस के साथ में, और जो इसकी साथ माइनस में नहीं है वो एक्चुअल में हमारी परचेज है। और इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर माइनस में कोई शो कर रहा है सेल काउंट के हेड के अंदर, तो यानी कि ये आपकी सेल रिटर्न है, और जिसके साथ माइनस नहीं है वो एक्चुअल में आपकी सेल है। और दूसरा इसका ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। जैसे हम स्टॉक पे वापिस चलते हैं, F12 के साथ इसकी पूरी डिटेल को हम ओपन कर लेते हैं दोबारा, और उसके बाद में अगर हम देखें 25 वाट के बल्ब को एंटरप्रेस करेंगे, पूरा डाटा हम ओपन कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो अब यहाँ आप देखोगे भी हमने 24 पीस यहाँ पर परचेज किए थे, उसके बाद हमने 100 पीस और परचेज किए, और उसके बाद हमने 4 पीस यहाँ पर रिटर्न कर दिए डेबिट नोट के अंदर, जो अभी हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी का डेबिट नोट इशू किया था। तो ये हमारा टोटल 124 पीस तो हमारी टोटल परचेज होगी, और इसमें हमारी 4 रिटर्न होगी। तो अगर हम टोटल की बात करें तो आपको यहाँ पर 120 पीसेस दिखाएगा, यानी कि अब 120 पीस आपकी सेल दिखाएगा, परचेज दिखाएगा। और इसी तरीके से अगर हमने इसी प्रोडक्ट को हमने 6 पीस सेल किए थे जिसमें हमने 2 वापस हमारे पास आ चुके हैं, तो अब एक्चुअल में हमारी सेल कितनी हो गई है, 4 पीस की रह चुकी है। तो यहाँ पर भी आपको ये 4 पीस ही दिखाएगा, यानी कि अब इस डेबिट नोट के अगेंस्ट में क्या हुआ, ये स्टॉक हमारे से लेस हो गया और
सेल रिटर्न के अगेंस्ट में क्या हुआ क्रेडिट नोट का, ये दो पीस की जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारे स्टॉक के अंदर वापस आ जो एड हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक हमारे पास वापस आ चुके हैं। और परचेज रिटर्न की कंडीशन के अंदर स्टॉक हमारी बिजनेस से वापस आ जो चला जाता है, तो स्टॉक हमारा इतना कम हो जाता है। तो आई होप कि इस आज की इस क्लास से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। फिर भी अगर आपका कोई डेबिट नोट से लेकर और क्रेडिट नोट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमें इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट की रिप्लाई देने की भी, और वो भी प्रैक्टिकल तरीके के साथ।